तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ एवेंजर्स मेंशन, क्योंकि सारे के सारे एवेंजर्स ने अभी मुझे बुलाया है और यहाँ शिनचैन में पहले से पहुंच चुका और मैं आ चुका अपनी मस्त मस्त नई नई बीएमडब्ल्यू में एवेंजर्स मेंशन पर। चलो फटाफट चलते हैं, पूछते हैं क्या हो गया, इन्होंने क्यों बुलाया। अरे फ्रैंकलिन आ गया। हाउ फ्रैंकलिन आओ। अरे अर्नमैन क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों बुलाया। अरे फ्रैंकलिन एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। अरे क्या हो गया। अरे तुमको तो पता ही है हम बहुत टाइम बाद रैम चैलेंज करने वाले थे, पर हम रैम का इंतजाम करना तो भूल ही गए और प्राइस का इंतजाम भी करना भूल गए और रैप में यूज होने वाली गाड़ियों का भी इंतजाम करना भूल गए। क्या सबका सभी भूल गए तुम तो। अरे फ्रैंकलिन अब क्या करें तुम्हें बताओ। अरे मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या पता क्या करना है। अरे फ्रैंकलिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, रैम चेंज करना जरूरी है। अरे मुझे क्या पता कैसे करेंगे। मैचेस सटक ली, मैं आ चुका हूँ, तुम टेंशन मत लो। अरे ये कहाँ से आ गया। अरे लिटिल सिंघम तुम कहाँ से आ गए। पुलिस के वर्दी शेर कदम, नाम मेरा लिटिल सिंघम। मुझे पता चला तुम्हें रैंप चैलेंज के लिए रैंप चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए और प्राइस चाहिए। हाँ चाहिए तो सही, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। आओ हम रैंप चैलेंज करेंगे। क्या तुमने सारा इंतजाम कर दिया। हाँ और आज का रैंप चैलेंज का होस्ट बनूंगा मैं, यानी लिटिल सिंघम। पुलिस के वर्दी शेर कदम, नाम है इसका लिटिल सिंघम। तो गाइस आप सबका स्वागत है आज के खतरनाक लिटिल सिंघम रैम चैलेंज में। और गाइस ये रैम सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो लिटिल सिंघम के फोटोज लगे हुए। ये रैम सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आप देख सकते हो कितनी सारी सुपर कार्स, ऑफ रोड कार, एसयूवी कार्स, सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी है इस रैम चैलेंज को करने में। तो आपको पूरा का पूरा रैम दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए जाने फिनिशिंग लाइन तक। और गाइस जो भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा वो इस रैम चैलेंज को जीतने वाला है। और इनके एयर बॉक्सेस के बीच में देख सकते हो गैप है, इधर से गाड़ी गिरनी नहीं चाहिए। कैसा लगा तुम्हें रैम। और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे ये तो सही में बहुत ही अच्छा है। अरे बहुत ज्यादा अच्छा है। तो गाइस अभी सारे के सारे कंटेस्टेंट तैयार है इस रैम चैलेंज को करने के लिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हमारे साथ है स्पाइडरमैन, चॉकलेट आयरन मैन। क्या चॉकलेट आयरन मैन, अबे ये कहां से आ गया। चलो ठीक है, और हमारे पास हल्क भी है और फ्लाइंग जेट और खतरनाक वाला क्रिस। चलो गाइस फटाफट से रैम चैलेंज शुरू करते हैं। उससे पहले ये जान लो कि जो भी जीतेगा उसको क्या प्राइस मिलने वाला है। तो मैं प्राइस भी देने वाला हूँ घर, पर एक नहीं दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, पूरे के पूरे दस दस घर। क्या दस घर। और सर इस रैम चैलेंज में जो भी जीतेगा उसको पूरे के पूरे दस दस घर मिलने वाले, मतलब 10 लग्जरी मेंशन। तो कैसे इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और सबसे पहले जाने वाले स्पाइडरमैन, देखते हैं क्या ये जीतेगा दस दस घर या फिर जाएगा खुद के घर। तो कैसे अभी स्पाइडरमैन फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हुए जा रहे हैं सारे के सारे बॉक्सेस पार करते करते, और गाड़ी हवा में घूमी और स्पाइडरमैन गया सीधा पानी में। तो कैसे ये तो सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। छोटी बच्ची हो क्या, ये उन लोगों के लिए हार्ड होने वाला जिनको गाड़ी नहीं चलाना आती। उनके लिए हार्ड नहीं जो कि खतरनाक गाड़ी चलाते। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता। ये रैंप चैलेंज मैं जीतूंगा, दस के दस कर मैं जीतूंगा। तो गाइस अभी फ्लाइंग जेट जा रहा है फुल स्पीड में, देखते हैं हमारा फायर फ्लाइंग जेट क्या करने वाला है। और ये तो फुल स्पीड में चलता जा रहा है अपनी रेसिंग कार लेके, और ये क्या, ये तो इसकी गाड़ी यहाँ पे पलट चुकी है और ये भी गिर चुका है पानी में। छोटी बच्ची हो क्या, मुझे किसने पानी में गिराया। ये फायर फ्लाइंग जेट तो फालतू में बोलता रहता है, अभी बारी है मेरी, मैं दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं रैम चैलेंज। ये बुगाटी में जाऊंगा, सबसे फास्टेस्ट कार ऑन प्लेनेट। तो गाइस अभी देखते हैं कैप्टन हल्क क्या करने वाला। जब तक अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ऑल पे सेट कर देना, और कमेंट में जो चाहे आप लिख सकते हैं। और ये हल्क यहाँ पे नीचे गिर चुका है, ये तो बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका था। सिर्फ एक से लगे और सिर्फ एक बॉक्स और रह गया था, वरना हल्क को जीत ही जाता। अभी बारी है शिनचैन की, देखते हैं ये क्या करने वाला है। गाइस ये रैम चैलेंज सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। अभी देखते हैं हमारा शिनचैन नोरा क्या करने वाला है। अरे वेकी मैं, मेरा नाम है शिनचैन नोरा, मैं 5 साल का हूं और मुझे चॉकलेट भी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अभी देखो मैं जीत के दिखाऊंगा। और गाइस अभी शिनचैन जा रहा है फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते भगाते, और इसकी गाड़ी यहां पे भिड़ चुकी है और शिनचैन भी गया पानी में। अरे वेकी मैं बच गया, मैं बच गया। अबे क्या बच गया, डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो गाइस अभी बारी हमारे पंख वाले क्रिस की। आयला मुझे साफ दिखाई दे रहा है लिटिल सिंघम, मुझे तुम्हारी तरह बनना है,
तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, मुझे ही पुलिस ऑफिसर बनना है। पुलिस की वर्दी शेर खत्म, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। पहले रैम चैलेंज करो, अगर तुम रैम चैलेंज जीते तो मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना दूंगा। हाइला तुम टेंशन मत लो, ये रैम चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। तो कैसा भी लिटिल सिंघम ने बोल दिया, अगर ये क्रिस जीत गया तो इसको यार पुलिस ऑफिसर बना देंगे। और ये क्या, ये तो रैम चैलेंज से ऊपर निकलते हुए और ये सीधा गया पानी में। हाइला थोड़ी स्पीड ज्यादा तेज हो गई, मैं ज्यादा खुश हो गया था। तो कैसा अभी बारी हमारे आयरन मैन की, चोकिया चॉकलेट चॉकलेट बन गया, मन तो रहा इसको खा जाऊं। ए फैंक, मुझे खाना मत, मैं चॉकलेट आयरन मैन हूं पर मैं तेरी चॉकलेट नहीं हूं। अरे हां ठीक है नहीं खा रहा। तो कैसा अभी बारी आयरन मैन की, आपको क्या लगता है आयरन मैन जीत पाएगा कि रैम चैलेंज? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं जीत जाऊंगा। हटा मैचेस सटक ली, जल्दी करो। अरे हां कर रहे। अरे आयरन मैन जल्दी चला। अरे चला रहा। तो कैसा अभी आयरन मैन अपनी यार मोटी सी गाड़ी को लेके जा रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा धीरे चल रही है। और कैसा मुझे लगता नहीं ज्यादा आगे तक जा पाएगा। एक सेकंड, ये तो और आगे चला गया। और नहीं मुझे लगा था ये जीत जाएगा पर ये यहाँ पे गिर चुका है। अरे फ्रैंकलिन ये देखो मेरी गाड़ी पानी में चलती है। और ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा मस्त है। हटा माची सटक ली, अब तो फ्रैंकलिन तुम अकेले बचे हो, जाओ जीत जाओ सारे के सारे 10 के 10 घर। हाँ मैं चाहता तो यही हूँ पर ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो कैसे पहले फटाफट से कोई गाड़ी सेलेक्ट कर लेते अच्छी सी जिसमें मैं रैम चैलेंज में कर पाऊंगा। एक काम करते हैं, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार में लेने वाला हूँ। हल जो बोला था वो फास्टेस्ट कार नहीं है, ये सबसे फास्टेस्ट कार है। चलो इसको लेके चलते फटाफट से, फुल स्पीड में मैं जाने वाला हूँ और इस रैम चैलेंज में जीतने वाला हूँ। चलो कैसे अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं। फटाफट से कमेंट में गुड लक फ्रैंकलिन लिख देना ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसको जीत जाऊं। और कैसे मेरी गाड़ी हवा में उड़ने लगी। एक सेकंड, रुको कैसे मैं यहाँ पे रुक चुका हूँ। फटाफट से गाड़ी को अपने फुल स्पीड में भगाएंगे। और कैसे मैं बस पहुंचने वाला हूँ। नहीं, अरे ये क्या हो गया, मैं भी नीचे गिर गया। अरे कैसे बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका था पर मैं नीचे गिर चुका हूँ। पुलिस की वर्दी शेर खत्म, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। मैं जाऊंगा अपनी स्पेशल लिटिल सिंघम गाड़ी में और करके दिखाऊंगा तुमको रैम चैलेंज। तो गाइस अभी आप देख सकते हो लिटिल सिंघम जा रहा है अपनी स्पेशल लिटिल सिंघम वाली गाड़ी में। इसमें देख सकते हो हर जगह लिटिल सिंघम लगा हुआ है। और गाइस ये तो फुल स्पीड में जाता जा रहा है और ये यहाँ पे रुका पर नहीं रुका। और ये क्या, इसने तो रैम चैलेंज कम्प्लीट कर दिया। हटा माची सटक ली, तुम तो इतना इजी से रैम चैलेंज नहीं हो रहा, ये देखो मैंने एक ही बारी में कर दिया। और गाइस इसने तो सही में एक ही बारी में रैम चैलेंज कंप्लीट कर दिया और एक ही बारी में उस तरफ पहुंच गया। कैसर इसकी गाड़ी या तो सही में बहुत खतरनाक है या तो ये लिटिल सिंघम सही में बहुत खतरनाक है। मैंने सोचा था आज तो कोई ना कोई 10 के 10 घर जीतेगा पर तुम में से तो कोई नहीं जीत पाया। लगता है 10 के 10 घर मुझे ही रखने पड़ेंगे, चलो मैं चलता हूँ। अरे यार हम तो हार गए। मैं तो मजाक कर रहा था, जो 10 के 10 घर है मैं तुम 7 जनों में बांटने वाला हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों के पास होंगे, एक एक घर सबको मिलेंगे। क्या सही में? अरे अब तो बात ही खतरनाक हो। लिटिल सिंघम जिंदाबाद, लिटिल सिंघम जिंदाबाद। हैला लिटिल सिंघम जिंदाबाद। छोटी बच्ची हो क्या, जिंदाबाद। और एक कैसे लिटिल सिंघम ने सबको सरप्राइज कर दिया, वो सबको एक एक घर देने वाला है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मेंशन, सबको एक एक मिलने वाले। वैसे तो जो भी जीतता उसको एक ही जने को 10-10 मिलते पर अभी सबको एक एक मिल चुके हैं। चलो कैसे फटाफट से अपना नया मेंशन देखने चलते हैं, कैसा लग रहा है अपना नया मेंशन। चलो मजा आएंगे। अरे शिनचैन तू अपने वाले मेंशन में जा, मैं अपने मेंशन में जा रहा हूँ। चलो गाइस फटाफट चलते हैं, देखते हैं अपना मेंशन कौन सा मिला है हमें और कितना ज्यादा खतरनाक है वो। चलो आपको लेके चलता हूँ। तो गाइस अभी हम आ गए हमारे नए घर में और ये घर कितना ज्यादा बड़ा है और ऊपर मुझे गोल्डन हेलीकॉप्टर दिख रहा है और इसकी पार्किंग भी कितनी ज्यादा बड़ी है और एक अंडरग्राउंड गैराज भी है। चलो गाइस फटाफट अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ी कर देते हैं और हमारे साथ लिटिल सिंघम भी आ चुका है, शिनचैन भी आ चुका है। हटा माची सटक ली, ये घर तो बहुत ही अच्छा है। अरे हाँ ये तो सही है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। थैंक यू आपने हमें ये घर दिया। चलो गाइस फटाफट इस घर का पूरा का पूरा टूर करते, देखते हैं इस घर में क्या क्या है। और गाइस अंदर घुसते ही बॉलिंग टेबल, लगता है ये नीचे वाला पूरा पार्टी है। यहाँ पे सोफा लगे हुए, किचन विचन बना हुआ है। और गाइस सामने कंप्यूटर रूम है, लगता है कोई ऑफिस है। और गाइस यहाँ पे मस्त गेम भी खेल सकते हैं। आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना। और देखते हैं इस घर में क्या क्या है। प्राइवेट बास्केटबॉल कोर्ट, मुझे हमेशा से प्राइवेट बास्केटबॉल कोर्ट चाहिए था और मुझे आज मिल गया। और गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हमारा पर्सनल प्राइवेट जिम। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा घर कितना ज्यादा अच्छा है, सामने ओशन पीछे पहाड़, कितना ज्यादा खतरनाक घर है ये। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना और मैं कूद रहा
रहा हूँ, अरे नीचे पानी नहीं था क्या? अरे कैसर मुझे लगा नीचे पानी था इसलिए मैं कूद गया था, पर यहाँ पे तो मिट्टी थी। पर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे बोट खड़ी है, चलो यार ओशन में घूमने चलते हैं। अरे विकी मैं भी चलूंगा। हाँ बैठ जा अरे कैसर निकलते हैं सही। अरे विकी मैं रुक जाऊँ, अब जा रहा हूँ मैं। तो कैसर आज की वजह से अगर आपको आज की वजह तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बता वीडियो फटाफट से कम बैठे बता दो, और कैसे इंस्टाग्राम डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाकर जरा फॉलो कर लेना, वहाँ बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और कैसर अगर आप चाहते हो हम सारे के सारे इंडियन कार्टून के साथ एक और रैम चैलेंज करें तो फटाफट से बता देना। और कैसे हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।